पुलवामा हमले में शहीद हुए जवान रोहितेश लांबा की एक करुण कहानी हमारे सामने आई है। जी हाँ, राजस्थान के गोविंदपुरा के रहने वाले थे रोहितेश लांबा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिसंबर में ही उनके घर बेटा हुआ था और उन्हें अभी तक छुट्टी नहीं मिली थी और वे आज तक अपने बेटे को देख भी नहीं पाए थे। इसी बीच कल वे हमले में शहीद हो गए। कुल मिलाकर रोहितेश लांबा की कहानी बेहद दर्दनाक और करुणा से भरी हुई है। उनका नवजात बेटा और उनकी पत्नी इस बात की राह देख रही थी कि कब वे घर आएंगे और अपने नवजात शिशु को यानी बेटे को देखेंगे, लेकिन आतंकवादी कायराना हमले ने उनकी जान ले ली और बेटा तथा पत्नी उनकी राह देखते ही रह गए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।